व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो आप सब लोग। अब सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, ठीक है। आज और एक नई वीडियो लेके आ गए हूँ हमारी TVS Ntorq Race Edition जो BS6 लॉन्च हुई है 2021 पे। उसका जो डिसएडवांटेज प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे हैं, आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, इसका जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसका फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, इसका फ्यूल गेज प्रॉब्लम। हम लोग जब भी इसको पेट्रोल टैंक फुल करते हैं तो फुल दिखाता है, सब 6 जो गेज है दिखाता है। उस 100 किलोमीटर चलाने के बाद ही इसका फ्यूल गेज 3 गेज चले जाते हैं, किधर नहीं जानते। उसके बाद और 100 किलोमीटर चलाने के बाद वो फ्यूल गेज एम्प्टी हो जाती है। एक फ्यूल गेज एक दिखाते हैं, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो गाइस, इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है इसका किक स्टार्टिंग प्रॉब्लम। हम सुबह उठ के जब इसका किक स्टार्ट करते हैं तो किक से स्टार्ट नहीं लेते हैं। अभी जो कि किक से स्टार्ट करती हूँ तो नहीं लेंगे, देख लीजिए। स्टार्ट नहीं हुआ। तो गाइस, इसका जो थर्ड प्रॉब्लम है ये मीटर वाइब्रेशन प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लिए, तो आई बटन पे एक लिंक आ रही है और जाके देख सकते हो। हम 30 या 40 के स्पीड चलाने के बाद ये मीटर वाइब्रेशन करते थे, अभी नहीं करा, तो इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए। तो गाइस, इसका फोर्थ प्रॉब्लम जो है ना, इसका इंजन का साउंड, जब भी स्लो करते स्पीड से उसका बाद यहाँ पे एक आवाज़ होती है खर खर करके, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। सर्विस सेंटर गया था उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। तो सर्विस सेंटर वाले बोला था जो एक बेल्ट है, तो जब आप इस एक्सीलेटर ज़्यादा देते हो तो लॉन्ग हो जाती है ये सब, बल्कि हमको समझाया, तो हम तो समझने के बंदा नहीं है, तो अभी तक इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। तो गाइस, इसका फिफ्थ प्रॉब्लम है सस्पेंशन। इसका हाइड्रोलिक ज़्यादा नहीं है, ऑफ रोड जब चलाएंगे आप लोग तो आपका कमर में दर्द होगा, तो पिलियन बैठा के ले जाने से आपका जो पीछे बैठेगा उसका कमर दर्द होगा। तो सामने का सस्पेंशन ठीक ठाक है, पीछे का सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है। ये था आज का इसका डिसएडवांटेज जो प्रॉब्लम मैं इसके साथ फेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, ये वीडियो आज का था, ये प्रॉब्लम मैं जो फेस कर रहा हूँ। और इसका जो अच्छी बात है, फर्स्ट इसका अच्छा जो लगा मेरे को लुक, स्कूटी का लुक वाइज इसको 100 से 100 ही देते हूँ मैं। देख लीजिए, यहाँ पे DRL है, मैं यहाँ टायर पे कलर किया हूँ, और आई बटन में लिंक है, जाके देख ले सकते हो। इसका लुक तो A1 है। तो गाइस, इसका दूसरा जो मेरे को अच्छा लगा, इसका 4 इंडिकेटर। तो गाइस, अभी तक कोई स्कूटी में ये नहीं दिया है, तो 4 इंडिकेटर आप लोग जला सकते हो, हजार्ड लाइट जिसको बोलते हैं। ये एक अच्छा लगा मेरे को। तो गाइस, इसका फोर्थ जो अच्छा लगा मेरे को, इसका पिकअप रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अब पिकअप इसको देना है ना, थर्टल जब भी देती हूँ मैं, क्विक इसका रिस्पॉन्स देती है हमको। तो हम सोचते हैं कि 100 क्रॉस करते हैं, नहीं करते, ये 100 अभी तक नहीं क्रॉस किया है, 96 पर जाके रुक जाती है इसका। तो गाइस, इसका जो फिफ्थ अच्छा लगा मेरे को, फिफ्थ पॉइंट है इसका ब्रेकिंग। सामने पे है डीज दिया है और पीछे ड्रम ब्रेक है। तो गाइस, इसका ब्रेक अच्छा है, आप जब भी ब्रेक लगाते हो तो 2 से 3 सेकेंड के अंदर इसका ये रुक जाती है। तो गाइस, ये था आज का प्रोस एंड क्रोन की वीडियो। सो गाइस, हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो आने वाली है हमारे चैनल को, और वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हो। और आज वीडियो शूट करने के लिए एक हाई रोड के पास में आया हूँ। तो गाइस, देख लीजिए, हमारी Ntorq खड़ी है पीछे।